दुर्भाग्य के वो दिन भी एक दिन आएंगे जब धनपति अपनी पत्नियों के पास भी नौकरों को भेज दिया करेंगे कि जा मेरी पत्नी को चुंबन दे आ, कहना पति ने भेजा है उनको जरा फुर्सत नहीं है काम में, और ये छोटे मोटे काम तो नौकर भी कर सकते हैं, इसके लिए मेरे आने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम धर्म के साथ यही कर रहे हो, तुम्हें पुजारी से कहते हो कि आकर रोज हमारे घर में मंदिर की घंटी बजा जाया कर, पूजा चढ़ा जाया कर, तो फूल चढ़ा जाया कर, 30 रुपए महीने लगा दिए, वह भी 10-25 घरों में जाकर घंटी बजाता है, उसको भी घंटी बजाने में कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है कि भगवान ने घंटी सुनी कि नहीं, वह जो 30 रुपए महीने देता है उसको सुनाई पड़ जानी चाहिए। बस जल्दी से सिर पटकता है, कुछ भी बक बका कर भागता है, क्योंकि उसको और 10-25 जगह जाना है, कोई एक ही भगवान है, कई मंदिरों में पूजा करनी है, जगह जगह जाकर किसी तरह क्रियाकर्म करके भागता है। उधार तुम प्रार्थना उधार करवा रहे हो तो तुम प्रेम भी उधार करवा सकते हो, आखिर प्रार्थना प्रेम ही तो है। परमात्मा से भी तुम सीधी बात नहीं करते, बीच में दलाल रखते हो, परमात्मा के भी आमने सामने कभी नहीं बैठते। अरे फूल चढ़ाने हैं खुद चढ़ाओ, अगर दीप जलाने हैं खुद जलाओ, अगर नाचना गाना हो तो खुद नाचो गाओ, ये किराए के टट्टू इनको लाकर तुम पूजा करवा रहे हो, यह पूजा झूठी है, इनको पूजा से प्रयोजन नहीं है, इनको पैसे से प्रयोजन है, तुमको इससे प्रयोजन है कि भगवान कभी होगा, कहीं मरने के बाद मिलेगा तो कहने को रहेगा कि भाई पूजा करवाते थे, 30 रुपया महीना खर्च किया था, कुछ तो ख्याल रखो, आखिर उस सब का तो कुछ तो बदला दो। बहुत सुनते आए थे कि पुण्य का फल मिलता है, कहाँ है फल, अब मिल जाए, लेकिन ना तुमने पूजा की ना तुम्हारे पुजारी ने पूजा की, पुजारी को पैसे से मतलब था, तुम्हें कुछ आगे के लोभ का इंतजार कर रहे हो, तुम आगे के लिए बीमा कर रहे हो, तुम कुशल व्यवसायी हो।